4.8.2 तत्वों के आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी पाई जाती है। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति ही गुणों की आवर्तिता का आधार है। आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, तब हमें तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों में नियमित परिवर्तन मिलते हैं। आइए हम कुछ आवर्ती गुणों का अध्ययन करें। पहला, संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि समूह में नीचे की ओर तथा आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार से परिवर्तित होती है? आइए इसे सारणी 4 में दिए गए दूसरे आवर्त के तत्वों तथा उनके हाइड्राइड के द्वारा समझें। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। दूसरा, परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार भी अलग अलग होता है। उनके आकारों की तुलना उनकी परमाणु त्रिज्याओं के मान के आधार पर की जाती है। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस से तात्पर्य है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोश के बीच की दूरी। सारणी 5 में समूह 17 के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं दी गई हैं। इन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, किस तत्व का परमाणु आकार सबसे बड़ा तथा किसका सबसे छोटा है? दूसरा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? हम देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका कारण है कि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। इससे नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। सारणी 6 में तीसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं दी गई हैं। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है? हम देखते हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। आइए इसे क्षार धातु वर्ग से समझें। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जा रहे हैं, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। इसी प्रकार द्वितीय आवर्त में देखें, बाएं से दाएं जाने पर प्रति इकाई नाभिक आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या कम हो रही है। तीसरा, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। प्रत्येक तत्व के अपने कुछ लाक्षणिक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर प्रारंभ में तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, धातु एवं अधातु। सारणी 7 देखकर बताइए कि कौन से तत्व धन आयन व
कौन से तत्व ऋण आयन बनाते हैं? सारणी सात में धातु एवं अधातु किस किस ओर स्थित हैं? सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म किस प्रकार परिवर्तित होते हैं? हम जानते हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातुएं कहलाते हैं, उदाहरण लोहा, जिंक, सोडियम आदि। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं वे अधातुएं कहलाते हैं, उदाहरण ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। आइए इसे अन्य उदाहरणों द्वारा समझें। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। आवर्त सारणी का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में वृद्धि और अधात्विक गुणों में कमी होती है। सोचिए, क्या आवर्त में भी इन गुणों में परिवर्तन होता है? आवर्त में धात्विक तथा अधात्विक गुणों में क्रमिकता। धात्विक गुण या विद्युत धनात्मकता किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है तथा अधात्विक गुण या विद्युत ऋणात्मकता किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अर्थात विद्युत धनात्मकता घटती जाती है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। इसका कारण परमाणु आकार में कमी तथा अधिक धनात्मक नाभिक होता है। समूह में धात्विक तथा अधात्विक गुणों में क्रमिकता। एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है तथा अधात्विक गुण में कमी होती है।